खबर भदोही संवाददाता ए के फारूक तब द्वारा की गई रिपोर्ट बाहुबली विजय मिश्रा के गिरफ्तार पुत्र विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर AK-47 और 9mm पिस्टल सहित काफी मात्रा में कारतूस बरामद। बता दें कि भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के गिरफ्तार पुत्र विष्णु मिश्रा के कोर्ट से मिली रिमांड के पश्चात एसटीएफ और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से गोपीगंज अंतर्गत अम्बा ट्यूबवेल के पेट्रोल पंप पर छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। उक्त पेट्रोल पंप विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा के नाम बताया गया है, जो काफी दिनों से बंद चल रहा है। अब खबर देखें विस्तार पूर्वक। अदालत से विष्णु मिश्रा की 5 घंटे की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पुलिस उसे लेकर यहां पहुंची थी। ज्ञात रहे कि विजय मिश्रा की 2 साल पहले गिरफ्तारी के बाद से ही यह पेट्रोल पंप बंद है। विष्णु मिश्रा पर भी पिता विजय मिश्रा के साथ ही केस दर्ज किया गया था, लेकिन वह नहीं पकड़ा गया था। इसके बाद उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। पिछले ही हफ्ते पुलिस ने विष्णु को पुणे के हड़पसर से गिरफ्तार किया था। बुधवार को कोर्ट ने विष्णु मिश्रा की 5 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की थी। इसके बाद आज गुरुवार को जेल से विष्णु मिश्रा को पुलिस और एसटीएफ ने कस्टडी में लिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को पुलिस से रिमांड मांगी थी। इसमें न्यायालय ने 5 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश दिया था। कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस ने अम्बा बाजार स्थित पेट्रोल पंप से 1.47, 4.47 की मैगजीन व 375 कारतूस, 1.9mm पिस्टल तथा 9 पिस्टल कारतूस बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़ेंगे असलहों और कारतूसों का संबंध गाजीपुर जनपद के निरुद्ध माफिया डॉन एच और बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की टीम से जोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है। 1 लाख का इनामिया था और लगभग 2 साल से फरार था, उसको एसटीएफ ने पुणे से गिरफ्तार किया था। आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका पुलिस कस्टडी अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से 1 AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाने के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। बरामद करके इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, AK-47 कहाँ से इसको मिला था, किस तरह की कोई जानकारी अभी मिल पाई? ये जैसा कि जो आप सभी लोग जानते हैं कि विजय मिश्रा की जो गैंग है उसका कारंसारी गैंग से गहरा कनेक्शन बताया जाता रहा है और कई इन दोनों गैंग की जो कई घटनाएं थी उसमें कई बार AK-47 के उपयोग की बात आई थी, कई घटनाओं में, कई हत्याओं की घटनाओं में। तो इस चीज़ के बारे में भी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि ये AK-47 और जो अत्याधुनिक पिस्टल है। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।